सो ऑल राइट गाइस, वेलकम है आपका सभी मेरे ट्यूटोरियल में। और आज ये जो फोटो आप देख रहे हैं, स्नेक और स्कल एंड बहुत ही क्रीपी टाइप सी फोटो है। और इसकी मैं डिटेल्स आपको दिखाऊं तो आईज में बहुत ही अच्छी डिटेल पे मैंने वर्क करा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्नेक में इतना नहीं करा था और स्कल में भी मैंने बहुत अच्छी डिटेलिंग दी थी। तो थैंक्स गाइज, आपने इस पर 1000 लाइक क्रॉस कराए हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, तो यार ये बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए। सोचा नहीं था इतना भी प्यार मिलेगा कभी इंस्टाग्राम से। सो थैंक यू गाइज, जिस जिस बंदे ने भी मेरे इस पोस्ट पर शेयर कराया, स्टोरी पे शेयर कराया, सो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू यार। तो इसका जो ट्यूटोरियल है वो बहुत सिंपल है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है फोटो बनानी यार। ऐसी थोड़ा बस ध्यान देना होता है हल्का सा, और ये बहुत ईजिली क्रिएट हो जाती हैं ऐसी फ़ोटोज़। तो मैं आपको पूरा शुरू से एंड तक हर चीज़ बताता हूँ कि इसमें होना क्या है। तो यहाँ सबसे पहले एक बैकग्राउंड है जिसमें स्कल है जो मैंने ऐड कर रखी है, जस्ट सिंपल। तो अगर मैं आप सबके लिए सिंपल करूँ ये चीज़, तो स्कल हटा दी, बैकग्राउंड सेम है। तो बैकग्राउंड मैंने आप सबके साथ शेयर कर रखा है, शायद होगा स्नेक में शायद। हाँ, तो स्कल भी शेयर है और आपके साथ ये भी शेयर है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें दे रखी है मैंने वैसे तो। और ये जिप अपलोडेड है पहले, मैं ट्यूटोरियल अभी थोड़ा बाद में बना रहा था क्योंकि थोड़ा मुझे काम पड़ गया था बीच में। तो यहाँ तक कि सिंपल, सो किसी की स्टोरी है कोई वो नहीं है, बस ये मैटिंग के थ्रू बनाया मैंने बैकग्राउंड। ये मैं क्रिएट नहीं करता, डाउनलोड नहीं करता, जस्ट दो तीन वॉलपेपर को मर्ज करके बनाता हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ जस्ट कलर लुकअप डाल दिया था थोड़ा नाइट, क्योंकि मेरे को ये चीज़ थोड़ी डल टाइप सी चाहिए थी। मेरे को अपने आप को ज़्यादा फीचर करना था बजाय बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ मैंने अपने आप को डाल रखा है जस्ट। और यहाँ आप मेरा लॉजिक समझें, आप कभी ये मत सोचो कि ट्यूटोरियल में आपको पूरा बना के दिखाऊंगा यार। अभी बनाने के लिए तो मेरे पे कंप्यूटर नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर बनाऊंगा इन फ्यूचर जो आएंगी। 2-3 हफ्ते बाद ज़रूर मैं पूरे पूरे ट्यूटोरियल डालूंगा, 4-4 घंटे के जो भी होंगे, तो उसमें मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो क्रिएट है, यहाँ पे आप बस उसका आइडिया लें कि कैसे आप भी इंस्पायर हो सकते हैं। मैं अगर आपको साथ साथ करके भी दिखाऊंगा तो अगर आप बनाए होंगे तो वो कॉपीड हो जाएगा ज़्यादा सा। सो यहाँ आप समझने की ज़रूर कोशिश करें। सो ये जो पहली लेयर है इसमें कर रखी है मैंने ब्लेमिश रिमूवल, तो यहाँ आपको दिख जाएंगे थोड़े से। अगर मैं ज़्यादा जूम करूँ तो यहाँ आपको दिख रहे होंगे कि ये मैंने पिम्पल स्कार उसकार हटाए हैं। पिम्पल्स हटाने का सिंपल सा टूल है, वो है ये, उसका क्या नाम है, हीलिंग बोलते हैं, जे दबाएंगे तो आपका आ जाएगा। तो हीलिंग ब्रश से मैंने सारे पिम्पल्स विम्पल सब हटा दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो स्किन को भी परफेक्ट रखना बेटर रहता है फोटोशॉप में। और फिर उसके बाद मैंने कर्व्स डाल रखे हैं, कर्व से मैंने अपने आप का ही कलर चेंज करा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं रेड को नीचे कर रखा है, अगर मैं जितना नीचे लेके जाऊँगा ये उतना डार्क होता जाएगा। तो यहाँ ये सिंपल सा फंडा है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जस्ट ग्रीन कर रखा है और क्लिप कर रखा है मैंने मास्क में। ऑल्ट दबाएंगे तो क्लिप का ऑप्शन ऐसे आएगा लेयर पे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को सही से एक डार्क पोजीशन में दे रखा है, क्योंकि वैसे सब जगह लाइट हो रहा था। तो कर्व से मैंने थोड़ा स्लाइटली डिम करा है, ये वाला डिम करता हूँ मैं, सेंटर से डिम नहीं करता कभी। सेंटर से करोगे तो ऐसा डिम होएगा जो ये गंदा होता है, इधर से करा करें हम डिम, ठीक है। तो ये स्कल्प आउट करेगा आपके चेहरे को और हाथ को, जहाँ आपको अटेंशन डालना है यूज़र का। जैसे मुझे फेस पे डालना था, हैंड पे डालना था, स्कल पे डालना था, तो इतना पार्ट मुझे आपके लिए वो चाहिए था कि सेंटर ऑफ अटेंशन हो, तो इसलिए मैंने कर रखा है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक लिटिल बिट कर्व इंक्रीज कर रखा है सेंटर से, कि ज़्यादा ही डार्क लग रहा था मुझे उस पॉइंट पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने वापस से डिटेल्स ले ली हैं, ठीक है। और उसके बाद जस्ट मैंने यहाँ पेंट कर रखा है। पेंट सिंपल भाषा में आप, अगर मैं आपको करके दिखाऊँ अभी, तो बहुत बंदों ने स्टैटिंग का भी पूछा मेरे से ये कि मेरे वकम टैबलेट या क्या, मैं एक्सपी पेन यूज़ करता हूँ, मैं वकम टैबलेट नहीं यूज़ नहीं करता क्योंकि उसमें फीचर्स ज़्यादा नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ से कोई एक ग्रीन कलर प्यारा सा उठा लेता हूँ मैं, जो भी मुझे पसंद आए, ठीक है।
या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ब्रश में जाके ये भी सैंपल कर सकते हैं, ये भी सैंपल कर सकते हैं, और फिर जब सैंपल हो जाए तो बिल्कुल टॉप पे ले आए उसे, लाइट कलर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ आप देख सकते हैं ब्रश बहुत ही हार्ड चल रहा है, और अगर मैं स्लाइड से करूँ तो ऐसे होएगा। तो यहाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट जनरल ब्रशेस होते हैं फोटोशॉप के, कोई अलग नहीं है, फारसी ब्रशेस नहीं है, मैंने नहीं बनाए हैं कोई ब्रशेस, आप मेरे से बार बार डीएम करके पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई ब्रश की सेटिंग नहीं होती। या अगर आप ये नीचे के ब्रश देख रहे हैं तो इन्हें मैंने कभी यूज़ नहीं करा है, बस मैंने रख रखे हैं, कभी काम आए थे ज़िंदगी में लेकिन अभी तक आए नहीं है मेरे को काम में, मैंने बस रख रखा है। तो यहाँ एक सॉफ्ट ब्रश चुनना है मैंने, और फिर अब देख सकते हैं आप यहाँ कैसे स्लो स्लो पेंटिंग हो रही है। अगर आप पे वकम टैबलेट नहीं है या कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ फ्लो में जा सकते हैं, फ्लो को आप अगर कम करेंगे ना तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आएंगे आपके माउस से भी। पहले मैं माउस भी यूज़ करता था और मैं तब भी लाइटनिंग स्ट्रॉ करता था, तो फ्लो और अपेसिटी से प्ले करके करता था। तो यही है एक फंडा यहाँ पे है, जो आप लाइट्स देख रहे हैं मेरे ऊपर वो ऐसे ऐसे ड्रॉ करी है मैंने सिंपल, धीरे धीरे टाइम लगाओ आप, इजली स्ट्रोक्स लो, ओपेसिटी के साथ प्ले करो यहाँ पे, तो यही है बस। और अगर आपको किसी पॉइंट पे ज़्यादा या कम लगे तो यहाँ से डबल क्लिक करें और अंडरलाइन लेयर में आएंगे तो आप स्प्लिट कर देंगे तो वो और कम हो जाएगा और आपका इफेक्ट अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कितने प्यार से लाइट ड्रॉ कर दी है, लेकिन अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और जो मैंने लाइट ड्रॉ कर रखी है सिंपली आराम से, तो मैं वही दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरा फोटोशॉप रिकॉर्डिंग में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कितना लैग हो रहा है। तो यार पूरी रिकॉर्डिंग बनाना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि मैं फिर अपना ही आर्ट क्रिएट नहीं कर पाता, तो ये है। और इसमें मैंने डॉजन बर्न मेथड भी यूज़ कर रखा है, तो डॉजन बर्न आपको बहुत ही क्लोज में दिखेगा, ऐसे जूम पे नहीं दिखेगा। तो आप देख सकते हैं डॉजन बर्न मैंने किस हद तक यूज़ करा हुआ है, ये मैंने फेस की लाइटनिंग एडजस्ट करने के लिए कर रखा है। अगर डॉजन बर्न आपने सीखना है तो यार बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है इसमें, पहले ये वाला कर्व होता है आपका हाईलाइट कर्व, और ये डॉजन बर्न के लिए ट्रिक्स होती हैं। सबसे पहले बर्न में एक एक पॉइंट डब्बा नीचे और ग्लो डॉज में एक डब्बा ऊपर, और इन दोनों के मास्क को इन्वर्ट कर दीजिएगा। और अब जब आपको चाहिए हो कि, यहाँ मैं क्लोज कर देता हूँ एक बार और मेथड बताता हूँ, कि आपने यहाँ से वाइट कलर लेना है और सिंपल जहाँ भी आपको लगे कि ये स्पॉट काला है या नहीं है, जैसे ये काला है तो मैं यहाँ अगर ब्रश करूँगा तो वहाँ वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आंखों से देख के मेरे को अंदाज़ा लग जाता है यार कि कहाँ वाइट है कहाँ नहीं है, और उसके बाद मैं बस उसे क्लिक करके अपने डॉज से हटा देता हूँ। और जब मेरे को लगता है कि यहाँ पे डार्क होना चाहिए, जैसे यहाँ पे डार्क होना चाहिए मेरे को लग रहा है, तो मैं यहाँ ऐसे डार्क कर दूँगा पेंट, यहाँ पे डार्क होना चाहिए तो डार्क में पेंट कर दूँगा, यहाँ डार्क पेंट कर दूँगा। तो यार यही होता है डॉज एंड बर्न, और फिर एट दी एंड में जो शाइन आती है चेहरे पे वो आती है इसके थ्रू। तो इसमें क्या होता है, हाईलाइट में हम एक डब्बे से 1.5 तक ऊपर करते हैं। ठीक है, और फिर जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ मेरे को जहाँ ज़्यादा हाईलाइट चाहिए, जैसे मेरे को नोज़ को पॉइंट आउट करना है तो नोज़ पे आप स्ट्रोक्स करें, जैसे मुझे ये पॉइंट आउट करनी है तो ये करूँगा मैं, ये पॉइंट आउट करनी है तो ये, तो ऐसे करके आप जस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपना ईजी। और जो भी आपको स्ट्रोक्स चाहिए हो, जैसे भी चाहिए हो, तो वो यही सब होते हैं। ठीक है, तो डॉजन वर्क इतना ही है, जहाँ आपको ब्लैक दिखे आपने ब्लैक के ऊपर पेंट करना है, जहाँ आपको वाइट दिखे आप वहाँ उसे स्लो डाउन कर सकते हैं और एक अच्छा सा कर्व बिल्ड कर सकते हैं। और ये थोड़ा प्रैक्टिस से आता है, ये मैं समझाता रह जाऊँगा आपको, आपको समझ में नहीं आएगा आपको भी, जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे इसे तभी ये समझ में आएगा। और ये जस्ट सिंपल कॉन्टूरिंग होता है कि जहाँ आपको ब्लैक दिख रहा है, जैसे यहाँ नोज पे ब्लैक है, तो मैं धीरे धीरे जब तक पेंट करूँगा जब तक ये रिमूव ना हो जाए यहाँ से, तो जस्ट इतना ही होता है टॉर्च एंड बर्न। बहुत लोग पेड ट्यूटोरियल्स में कुछ कुछ बताते हैं कि आपको इस लेयर से करना चाहिए 8 लेयर, तो मैंने आपके लिए 8 भी तैयार कर रखा है कि आप कैसे वो चीज़
पा सकते हैं कि पता चल जाए कि आपको कहाँ काला है कहाँ नहीं है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको ह्यू सैचुरेशन के लिए सैचुरेशन को करना बिल्कुल डाउन, ठीक है। फिर उसके बाद एक कर्व लेना है और उसे 1-2 तक आपको लाना है डाउन टू बॉक्स तक। और फिर उसके आपके बाद यहाँ पे चेहरे में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सब आपको दिखने लगेगा, क्योंकि ब्लैक्स कहाँ ज़्यादा डार्क है। जैसे आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं तो यहाँ पे आपने पेंट कर दिया, या डॉजन बर्न में आके, इससे कुछ लेना देना नहीं है डॉजन बर्न का, ठीक है। तो 8 जब आपका डॉजन बर्न पूरा हो जाए, आप 8 बंद कर दीजिए, आपकी इमेज डॉजन बर्न हो जाएगी, ठीक है। इतना ही सिंपल है बस, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है। लोग हवा बना रखे हैं इसकी कि यार डॉजन बर्न, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आईज ग्लो। तो यार आई ग्लो यहाँ बहुत ही सिंपल टेक्निक से ग्लो कराता है ये। मैं जब स्टार्टिंग में सबसे पहले फोटोशॉप यूज़ कर रहा था तो यही एक चीज़ थी जो मेन थी मेरे लिए। तो यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं कि मैंने आई ग्लो ऑन कर रखा है। तो ये मैंने थोड़ा अपने हाथों से ड्रॉ कर रखा है, और हाथों से कैसे ड्रॉ करा है ये आप देख सकते हैं ऐसे सिंपल ब्रशिंग टेक्निक से, ठीक है। अभी तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, वो परफेक्ट सर्कल नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही जब आप दूर करेंगे तो आपको दिखेगा वही सेम आई का ग्लो आ गया जैसे था फोटो में, ठीक है। तो इतना ही है, जस्ट ब्रश से पेंट करना आपने, और सेकेंड आई में भी मैंने कर रखा है। अब रिम लाइट ड्रॉ। तो इसमें मैंने बहुत डिटेल टाइप में वर्क करा था और बहुत धीरे धीरे वर्क कर रखा है। तो रिम लाइटिंग आपको यहाँ पे दिखेगी, थोड़ा मैं यहाँ पे जाता हूँ एक लेवल पे भी आपको दिखे। ये मैंने जस्ट सेम ब्रश ले रखा है, ठीक है। ऐसे ब्रश लें, स्ट्रोक्स ड्रॉ करें ऐसे सिंपल सिंपल यहाँ से। तो यही होता है यार, अब मैं ड्राइंग करके आपके लिए पूरा टाइम खराब नहीं करना चाहता, कि जिस बंदे को सीखना है वो ट्यूटोरियल्स का आइडिया लेता है और ना कि बैठ के पूरे टाइम ट्यूटोरियल देखता है उनका। और मैं भी देखता हूँ बंदों के ट्यूटोरियल तो मुझे भी आइडिया लेने होते हैं, मैं कोई पूरा बैठ के उनका ट्यूटोरियल नहीं देखता, ठीक है। तो ऐसे ही जस्ट आप जहाँ तक ड्रॉ करते जाएंगे, लाइन्स ड्रॉ करते जाएंगे, वो आप ही का बनेगा। और मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी हैं लाइन्स, यहाँ पे कर रखी हैं, यहाँ कर रखी हैं। तो ये आपको खुद ही पता चल जाएगा जब रिम लाइट ड्रॉ करोगे। और फिर रिम लाइट के बाद आता है रिम लाइट, बहुत मुश्किल नहीं होती है। उसके बाद आता है ये पार्ट जिसमें आपको ग्लो क्रिएट करना होता है चेहरे पे। अब यहाँ पे येलो से स्किन हो रही थी तो मैंने यहाँ क्या करा था, 10% ओपेसिटी उठाई। यहाँ से आप जब ओपेसिटी 10% भी उठाएंगे और फिर जब आप पेंट करेंगे धीरे धीरे तो सेम रिजल्ट आपको अचीव हो जाएंगे। और कुछ ऐसे प्रॉब्लम है सिंपल, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये हेयर्स में कर रखी है ड्राइंग। तो आप देख सकते हैं सिंपल स्ट्रोक्स हैं धीरे 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 वाले, और कोई हाई फाई इतने स्ट्रोक्स नहीं है। तो यहाँ मैंने ये कंप्लीट कर दी है अपनी रिम लाइट में। और रिम लाइट इतना भी वो नहीं है, अगर आपको चाहिए कि सेपरेट रिम लाइट पे ही वीडियो बनाऊँ तो यार मुझे एक दिन वेस्ट करना पड़ जाएगा। तो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊँगा, और प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिए अगर आपको रिम लाइट चाहिए। तो अगर मेजोरिटी अगर अराउंड 10 से 15 कमेंट आते हैं कि रिम लाइट ड्रॉ करनी है, तो मैं उसके लिए सेपरेट ट्यूटोरियल ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ करा नहीं है शायद, हाँ यहाँ कुछ नहीं है, ब्लैंक है। उसके बाद मैंने फायर ऐड कर रखी है। तो फायर की आपको PNG दे रखी है, इसे कोई समझने का इतना मतलब नहीं है। उसके ऊपर आपको समझने का बस ये मतलब है कि आप ह्यू कैसे क्लिप करेंगे। जब आप ह्यू क्लिप करेंगे तो उसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं अपनी फायर का। तो ये इंडिपेंडेंट है, आप सबके लिए मैंने बना रखा है कि आप इजीली जो भी आपको कलर चाहिए हो वो आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ग्रीन कलर मुझे अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मैंने कर्व से वही डार्कनिंग क्रिएट कर रखे फिर से, कि आपका सारा ड्रैग अटेंशन यहीं पे ही रहे मेरा, ठीक है। उसके बाद मैंने कलर ग्रेड अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, और सिंपल कलर ग्रेड है। कलर ग्रेड मैंने पहले वाले में सैम्पल में शेयर कर रखी है, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो शायद
हाँ ये रहा कैलेंस पोर्ट्रेट नाम से, कार बर्निंग वाले में है, तो आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं शेयर करना भूल गया था शायद, हाँ इसमें शेयर नहीं कर रखे, तो कार बर्निंग वाले में से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेम मैंने लट यूज़ कर रखा है, मैं ज़्यादा चेंज नहीं करता। और ये भी खुद का बनाया हुआ है, कैलेंस का नहीं है यार, बस मैंने नाम दे रखा है क्योंकि मैंने इससे पहली फ़ोटो कैलेंस की बनाई थी, और उसके बाद मैंने यहाँ स्नैक ऐड कर रखा है। तो स्नैक पे यार मैंने बहुत काम करा, बहुत टाइम लगाया था इसमें, तो स्नैक को मैं धीरे धीरे आपके लिए डिकोड कर देता हूँ। तो स्नैक के लिए सबसे पहली चीज़ होती है अगर आपको स्नैक चाहिए, तो यहाँ स्नैक था और अब इसे ब्लेंडिंग की बारी थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ इसकी पहले शेडो क्रिएट करी। अब शेडो कहाँ से निकाली है मैंने, शेडो मैंने यहाँ से निकाल रखे नेक के नीचे से। तो जो भी आपका ब्रश हो, ऑल्ट दबाएंगे जब आप ब्रश ऑल्ट, तो वो सैंपल कर लेगा वहाँ का शेडो, और फिर नीचे आके धीरे धीरे आपने पेंट करना है। यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश कर लेना आप अराउंड 10% ओपेसिटी, और आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे धीरे 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 जब आप पेंट करते जाएंगे तो एक बिल्डअप होगा आपका, फिर जो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। तो मैंने शेडो ड्रॉ करने में यहाँ कम से कम आधा घंटा लगाया था, कम से कम आधा घंटा, क्योंकि तो मुझे पता था शेडो यहाँ बहुत काम आएगी। और आप शेडो नोटिस कर सकते हैं नेक पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे है। तो शेडो को तो मैं क्रिएट नहीं कर सकता दोबारा। उसके बाद कर्व से मैंने वही, जैसे मैंने अपने आप को ग्रीन कर रखा है, मैंने स्नेक को भी ग्रीन करा है। यहाँ आप देख सकते हैं RGB में जाके मैंने चेंज करे हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया है कि वहाँ कैसे कर रखा है। और फिर मैंने कर्व से, इसमें कुछ करा नहीं है, ये सिंपल ही कर्व ऐसा है। इससे आप इसकी लाइटनेस इंक्रीज कर सकते हैं, आपको कितना ग्लो चाहिए इसमें, तो मेरे को उतना चाहिए नहीं था। मैंने उसके बाद फिर लाइट डाल रखी है, लाइट क्रिएट कर रखी है। जैसे मैंने अपनी रिम लाइटिंग ड्रॉ करी थी, तो मैंने यहाँ पे भी रिम लाइट इसकी ड्रॉ कर रखी है। और फिर मैंने ये शेडो कट आउट कर रखी है इसकी, मैंने यहाँ शेडो पेंट कर रखा है इसके स्केल्स पे, क्योंकि ये शेडो मुझे पॉप हो रहा था और मुझे डिस्टर्बिंग लग रहा था कि सारा टेंशन मेरा यहीं जा रहा था डायरेक्ट। तो मैंने इसे भी रिमूव करा यहाँ से कि सारा टेंशन यहाँ यहाँ और यहाँ आए। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ा यहाँ पर रिम लाइट और ड्रॉ कर रखी है, और फिर फाइनली यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा ये जो बीच का फन होता है इसको इंक्रीज कर रखा है जस्ट लेवल से, और मास्क आउट कर दिया। तो कर्व्स और पेंटिंग ही का ज़्यादा खेल है, कोई मैंने हाई फाई चीज़ें इतनी कर नहीं रखी है। तो आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए कि क्या यूज़ करना चाहिए क्या नहीं। और ये स्नेक की कॉपी है बस, और ये पीछे क्रोज है, ये बहुत पहले मैंने सारे PNG में दे रखी है। जब आप डाउनलोड करेंगे उसकी क्या कहते हैं फॉलन कंसेप्ट से, तो क्रोज ये सेम ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, कोई चेंज नहीं है। ये ब्लर्ड वाले क्रोज हैं, आपको मिल जाएंगे पहले के, जो अगर आप PSD VSD और ZIP डाउनलोड करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ स्मोक ऐड कर रखा है। स्मोक सिंपल है यार, कुछ है नहीं, PNG है, तो PNG आप तो निकाल ही सकते हो नेट से। और फिर यहाँ जस्ट मैंने थोड़े ग्लोइंग पार्टिकल्स रखे थे कि लगे कि पॉपी टाइप से है। तो यहाँ मैंने कुछ नहीं कर रखा, एक ब्रश लिया और उससे धीरे 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 डॉटिंग कर रखी है, डॉट 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 डॉट, और तो इसे थोड़ा टाइम लगाया। और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर ग्रीन कलर का कलर ओवरले डाल रखा है, और फिर आउटर ग्लो कर दिया था इसके ऊपर, जस्ट सिंपल। ठीक है, तो आफ्टर इफेक्ट्स के साथ और आफ्टर इफेक्ट्स आप देख सकते हैं कितना अंतर आ गया है। ठीक है, उसके बाद मैंने कर्व डाल रखा है जो थोड़ा सा और इंटेंस ग्लो कर दे सब कुछ। और फिर उसके बाद मैंने लास्ट एंड फाइनल स्टेप एक थोड़ी ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्ट के लिए डाली, और फाइनल टचअप देके इसे रेडी कर दिया पोस्ट के लिए। सो थैंक यू गाइस इस ट्यूटोरियल को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको हर चीज़ मेरे ट्यूटोरियल में सीखनी है, तो आपको मास्क आने चाहिए और कर्व की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ब्राइटनेस एंड रिम लाइटनिंग की थोड़ी थोड़ी और नॉलेज, और डेली आप प्रैक्टिस करेंगे रिम लाइटनिंग तो
जरूर आ जाएगी आप।